अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यूट्यूब की एक नई अपडेट आई है जो कि RGB के नाम से। अब ये RGB अपडेट क्या चीज़ है और आप अपने व्यूज किस तरीके से इससे बढ़ा सकते हैं, तो ये तमाम बातें जो है आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझा रहा हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यूट्यूब की जब भी कोई अपडेट आती है तो वो अपडेट जो है व्यूवर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कारामद होती है और क्रिएटर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कारामद होती है। अब क्रिएटर्स उसमें किस तरीके से अपना स्मार्ट माइंड जो है यूज़ करते हुए उस अपडेट से फ़ायदा उठा के अपने व्यूज़, अपने सब्सक्राइबर, अपना वॉच टाइम, हर चीज़ जो है बढ़ा सकते हैं और उससे जो है रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं जिन लोगों के चैनल मोनेटाइज होते हैं। तो आप लोग इस RGB अपडेट से किस तरीके से फ़ायदा उठाएंगे और व्यूवर जो है वो इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये बातें जो आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखें, जब भी यूट्यूब कोई नई अपडेट लेके आता है तो उसके ऊपर जो है यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा होता है। जो यूट्यूबर्स हैं, जो एक्सपीरियंस यूट्यूबर हैं, उनको ये बात पता होगी, और अगर आप लोग नए यूट्यूबर हैं तो इस अपडेट को समझ लें कि आपने इसको किस तरीके से जो है समझना है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है और किस तरीके से इससे फ़ायदा उठाकर अपने चैनल को ग्रो करना है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जब भी कोई अपडेट आती है तो उससे जो है फ़ायदा उठाना ही जो है वो स्मार्ट यूट्यूबर की पहचान होती है, और जो यूट्यूबर्स होते हैं वाकई में तो वो जो है अपडेट्स को यूज़ करते हुए अपने चैनल को ग्रो कर लेते हैं और अपने चैनल के ऊपर व्यूज़, सब्सक्राइबर, हर चीज़ जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो आप लोगों ने भी इस अपडेट को इस्तेमाल करना है, किस तरीके से करना है चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो अब देखिए, हम मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ आए हैं। मोबाइल की स्क्रीन के जरिए इस RGB अपडेट को पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर समझाऊंगा कि आपने इससे किस तरीके से जो है फ़ायदा उठाना है और व्यूज़ हासिल करने हैं। तो देखिए, यहाँ से जो है हमने क्या किया, यूट्यूब को हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर, और हमने जैसे ही मोबाइल के अंदर यूट्यूब को ओपन किया तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं। अब मैं इसको स्क्रॉल अप करता जाऊँगा, बहुत सारे लोगों के पास ये अपडेट्स आ रही होगी और बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है कि अभी ये नहीं आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर क्रेविंग समथिंग न्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए, आर ब्लू ग्रीन इस तरीके से RGB जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको आपने किस तरीके से यूज़ करना है, व्यूवर्स इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे पहले आपको समझाता हूँ। हम यहाँ से ग्रीन पे चलते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ग्रीन पे टैप किया, यहाँ से लेट्स गो के ऊपर चलेगा। लेट्स गो पे जाएंगे तो अब देखें आपके सामने ये जितनी भी वीडियोज़ के थंबनेल यहाँ पर आ रहे हैं इनके अंदर आपको ग्रीन शेड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी व्यूवर ग्रीन शेड की थंबनेल देखना चाहता है तो वो इस ग्रीन वाले कलर के ऊपर जैसे ही टैप करेगा तो उसके सामने जितनी भी वीडियोज आएंगी उसमें कहीं ना कहीं ग्रीन कलर जो है यूज़ हो रहा होगा। अब चलते हैं यहाँ से हम बैक, और अब जो है दूसरे वाले को चेक करते हैं कि दूसरे वाले जो कलर है उसके ऊपर क्या सीन है। तो देखें यहाँ पे अब चलेगा हम ब्लू पे टैप किया और लेट्स गो पे चले गए। तो यहाँ देखें ब्लू पे टैप करने के बाद अब हमारे सामने जो भी थंबनेल आ रहा है उस थंबनेल के ऊपर ब्लू कलर जो है आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, यानी कि ब्लू कलर का ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है इन थंबनेल्स के ऊपर। तो ये ब्लू कलर वाले जो भी थंबनेल हैं वही आपके सामने यहाँ पे आ रहे होंगे। अब यहाँ से चलते हैं बैक और यहाँ पे तीसरे वाले कलर को समझते हैं। तीसरे वाले कलर में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रेड, रेड वाले के ऊपर हम टैप करेंगे और यहाँ से लेट्स गो के ऊपर चले जाएंगे। लेट्स गो पे जैसे गए तो देखें यहाँ पे हमारे सामने थंबनेल्स के अंदर जो है रेड कलर जो है ज़्यादा नज़र आ रहा है, और रेड कलर की जितनी भी थंबनेल्स हैं वो हमारे सामने शो हो रही हैं वीडियोज़ के अंदर। थंबनेल्स के अंदर जो रेड कलर शो यूज़ किए हुए तो वो हमारे सामने ज़्यादा से ज़्यादा शो हो रहे हैं। अब हम इसको यहाँ से कर देते हैं बैक, और मैं अब आपको समझाता हूँ कि आपने जो इससे किस तरीके से फ़ायदा उठाना है। व्यूवर्स तो चलें इससे जो है वो व्यू अपने कलर वाइज जो है वो देख लेंगे, भाई हमें रेड कलर की थंबनेल्स के ऊपर जाना है या हमें ग्रीन कलर की थंबनेल्स के ऊपर जाना है या ब्लू कलर की थंबनेल्स के ऊपर जाना है। लेकिन जो क्रिएटर है वो इससे किस तरीके से फ़ायदा उठाएंगे ये बात समझ लें अच्छे तरीके से, तो आप लोग जो है इससे कई हज़ार में व्यूज़ जो है वो ये समझ लें ईजी ले सकते हैं। तो वो ये समझ लें कि आप इजीली जो इससे कई हज़ार व्यूज़ ले सकते हैं, और ये व्यूज़ लेने का एक बेहतरीन तरीका है, और इससे जो है आप स्मार्ट माइंड को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने मेरी इस वीडियो की जो थंबनेल है जिसको देखकर आपने क्लिक किया है, अब ये जो मेरा थंबनेल है इसके ऊपर अगर कोई बंदा रेड कलर वाली थंबनेल देखना चाहता है तो वहाँ भी जो है मेरी थंबनेल इशू होगी, और कोई बंदा अगर ब्लू कलर वाली देखना चाहता है तो वहाँ पर भी जो है मेरी थंबनेल इशू होगी, और ग्रीन कलर वाला अगर कोई बंदा ग्रीन कलर की थंबनेल देखना चाहता है तो वहाँ भी ये जो थंबनेल है मेरी शो होगी। यहाँ पर आपने स्मार्ट माइंड को यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, जब भी आप वीडियोस की थंबनेल बनाएं तो यहाँ पर आप ये ब्लू, ग्रीन और इसके अलावा रेड जो कलर है, इन तीनों कलर का कम्बिनेशन बनाकर जो है अपनी थंबनेल के अंदर इसको यूज़ करें, और उसके बाद जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे और लोग अगर कलर वाइज थंबनेल देखना चाहते हैं तो आपके हर थंबनेल के अंदर तीनों कलर मौजूद होंगे, और आपके उन तीनों कलर की मदद से जो है आपका थंबनेल जो है हर कलर वाले के पास जो है जा रहा होगा,
तो ये स्मार्ट माइंड, इसको स्मार्ट तरीके से यूज़ करें और आपने हर थंबनेल के अंदर ये 8GB को जो ये यूज़ करते हुए अपनी वीडियोज़ के ऊपर जो इसको अप्लाई करें, अपने थंबनेल के ऊपर इसको अप्लाई करें, तो आप लोग जो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये थी YouTube की अपडेट और इससे आप किस तरीके से फ़ायदा उठाएंगे ये मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।